हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टॉप मास में। दोस्तों, कुछ लोग फिल्मों की दुनिया में रातों रात नाम कमा लेते हैं तो कुछ लोग कई फिल्मों में काम करने के बाद भी गुमनाम हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता सुमित सहगल की। अभिनेता ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी थी, लेकिन फिर वे अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। आज हम आपको बताने वाले हैं एक्टर सुमित सहगल कहाँ हैं, क्या करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ क्या है। सुमित सहगल ने साल 1987 में फिल्म इंसानियत के दुश्मन से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेता शामिल थे। गोविंदा और मिथुन उस समय बड़े नाम हुआ करते थे। इस फिल्म में सुमित का किरदार कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और उसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली। इस फिल्म में काम करने के बाद अभिनेता सुमित ने कई फिल्मों में काम किया। ईमानदार, परमधर्म, लश्कर, बाहर आने तक, पति पत्नी और तवायफ और गुना जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। साल 1987 से 1995 तक उन्होंने करीबन 30 फिल्मों में काम किया। उसके बाद सुमित ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। इसके कई सालों के बाद सुमित ने साल 2010 में हॉरर फिल्म रॉक को प्रोड्यूस किया था, जिसमें तनुश्री दत्ता और उदित गोस्वामी नजर आई थी। सुमित सहगल की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उन्होंने दो शादियां की। उनकी पहली शादी अभिनेत्री शाहिना बानो से हुई थी। सुमित और शाहिन ने 1990 में शादी कर ली थी। दोनों की शादी 13 साल तक चली। साल 2003 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और अलग हो गए। सुमित और शाहिन की एक बेटी भी है, जिसका नाम सायशा सहगल है। बता दें कि अभिनेत्री शाहिन बानो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म आई मिलन की रात से की थी। शाहिन से तलाक होने के बाद सुमित ने दूसरी शादी फराह नाज से रचाई। फराह अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है, तो वहीं फराह की ये दूसरी शादी थी। फराह ने सुमित से पहले दारा सिंह के बेटे इंदु दारा से शादी की थी। फिलहाल दोनों एक साथ अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने जाना अभिनेता सुमित सहगल की पर्सनल लाइफ के बारे में। सुमित सहगल की अभिनय के लिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही दोस्तों आप अपना कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, नमस्कार। दोस्तों, सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले।